हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फ्रंट साइड पॉकेट बनाने जा रही हूँ। फ्रंट साइड पॉकेट के लिए आप आगे के पल्ले में बीच का पोर्शन पॉकेट के लिए रख लीजिए, ज़्यादा ना इस साइड ना उस साइड, बीच में बॉर्डर के बाद मैंने टू फिंगर, मेरे में फ्लावर है इसलिए मैंने चार फ्लावर छोड़ के बीच के भाग को पॉकेट के लिए चुना है, जो 32 फंदे के हैं। आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और बीच में इस तरह से आप बॉर्डर डाल दीजिए। आइए हम इसे बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन उल्टे साइड से शुरू होता है, इसीलिए मैं उल्टे साइड से ही बॉर्डर को स्टार्ट करूँगी। ये सिलाई पूरी करने के बाद मैंने यहाँ तक अपना डिज़ाइन भी बना लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद ये जो बीच में जहाँ तक आप मैं 32 फंदे का पॉकेट डाल रही हूँ, आप उससे कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, तो उसे बॉर्डर बना दीजिए। बॉर्डर में चाहे तो आप एक उल्टा एक सीधा बना सकते हैं, लेकिन ये मेरा डिज़ाइन है इसलिए मैं पूरा उल्टा बॉर्डर बना सकती हूँ। पूरा आप 32 फंदे मैं प्लेन उल्टा बॉर्डर डाल रही हूँ। इसी तरह आप पूरा बॉर्डर एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर भी आप डाल सकते हैं पॉकेट पे। और ये मेरे उल्टे साइड का था इसी वजह से, वरना आप सीधे साइड से भी ये बॉर्डर डाल सकते हैं। जितने फंदों का आपको पॉकेट रखना हो बस उतने पॉकेट में ही आपको बॉर्डर डालना है, और बाकी ये रो ये देखिए, यहाँ से मैंने बॉर्डर स्टार्ट किया। टोटल 32 में मैं बॉर्डर डालूंगी, उसके बाद जो भी डिज़ाइन है वो बनाते हुए मैं चली जाऊँगी। ये देखिए, मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया 32 फंदे में। उसके बाद ये मेरे डिज़ाइन है, मैं ये डिज़ाइन बनाते हुए ये रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मेरा सेकेंड रो है, फिर से मैंने अपना डिज़ाइन कंप्लीट करते हुए यहाँ बॉर्डर पास आ गई हूँ। फिर वही मेरा एक प्लेन उल्टा बॉर्डर है तो मैं उल्टा ही बनाऊँगी। आपका एक सीधा एक उल्टा है तो आप ये 32 फंदे को प्लेन बनाते चलिए। इसी तरह ये सेकेंड रो भी मैं कंप्लीट करूंगी, और लास्ट में फिर मेरा डिज़ाइन है। अगर आपका प्लेन है तो आप प्लेन बनाइए, मेरा डिज़ाइन है तो ये मैं डिज़ाइन बनाते चलूंगी। ये उल्टी लाइन जो मैंने बना रखी है, ये आपको तीन लाइन बनानी है, यानी 6 सिलाई। आपके डिज़ाइन के अनुसार अगर 5 या 7th भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट कीजिए इस रो को भी। ये देखिए मेरे दो लाइन उल्टे कंप्लीट हो गए बॉर्डर के, जो आप एक उल्टा एक सीधा भी डाल सकती हैं। और मैंने ये तीसरी लाइन में, यानी 6 सिलाई मैंने डाले हैं, तीसरी लाइन में इस तरह से बीनते हुए फिर मैं बंद करते हुए चली जाऊंगी। बंद करने का वही तरीका है, आप एक फंदे बनाइए और इस तरह से बंद करते हुए चले जाइए। ये देखिए बनाते हुए भी मैं जा रही हूँ और बंद करते हुए, ये इसी तरह बंद करते हुए यहाँ लास्ट में मेरे डिज़ाइन है। अगर आपके स्वेटर में प्लेन है तो आप प्लेन बनाइए, साथ साथ ये बॉर्डर सब बनता हुआ जाएगा। सिर्फ ये जो बॉर्डर हमने डाला है, चाहे आप वो एक उल्टा एक सीधा या उल्टा जो भी डालें, उसे बंद करना इस तरह से पॉकेट के लिए। फ्रंट साइड पॉकेट बनाना बहुत आसान है, इस तरह बीच के फंदे को मैं बंद करती चली जाऊंगी। ये देखिए ये मेरा बंद होता हुआ जा रहा और यही पॉकेट बनेगा। इसी तरह ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट करूंगी और साथ साथ ये डिज़ाइन भी बनाऊंगी, बॉर्डर भी। इस तरह भी आप
बंद करते हुए 32 फंदे को ही सिर्फ बंद करना है। उसके बाद जो आपका डिजाइन है वो बनता चला जाएगा। मैं पूरी तरह इसी तरह 32 फंदे को सारे को बंद कर दूंगी। ये मेरे पूरे कंप्लीट हो गए और अब मैं फिर वही डिजाइन बना के अपनी रो को कंप्लीट करूंगी। ये मेरा फूल बन रहा है, साथ के साथ मैं फूल भी बनाते चली जाऊंगी और इसी तरह ये रो को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए मैंने पूरा ये रो कंप्लीट कर लिया, बीच के बॉर्डर को बंद कर दिया और ये डिजाइन और ये बॉर्डर बनाती चली गई। अब आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रंट आगे का साइड है, आप बैक साइड जाइए और जहां से ये है ये चीज 32 फंदे, बिल्कुल 32 ही हमें यहां से नीचे से उठाना है। लेकिन आपको आपको बिल्कुल सेम उसी जगह उठाना है कि मैंने कहां से 32 फंदे अपने उठाए थे, और जैसे मैंने इस डिजाइन के बिल्कुल यहाँ ये उल्टे वाले से उठाई थी, तो वही चीज आपको सेम इधर से भी उठाना है और यहां तक 32 फंदे ही जितने मैंने बंद किए हैं उतने ही मुझे उठाने हैं। और पॉकेट की लंबाई, पॉकेट की लेंथ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इतना मतलब यहाँ बॉर्डर से एक उंगल ऊपर से दे रही हूँ ताकि थोड़ा लंबा बॉर्डर पॉकेट बने। आप ये देखिए, लेकिन बिल्कुल जहां से आप ये फंदे उठाएंगी, फंदे उठाने का तरीका देखिए, फंदे उठाने का आप ये देखिए, इसकी मतलब सिर्फ एक लाइन में होनी चाहिए। कोई भी फंदे आप इस तरह से जितने फंदे का पॉकेट बना रही हूं इस तरह से बीच से उठाते चलिए, लेकिन ये एक लाइन में हो ये ध्यान रखिए। कोई भी फूल या प्लेन में एक रो को आप देख के सही से सीधी लाइन में होनी चाहिए। इसी तरह इस तरह से आप 32 फंदे पूरा कंप्लीट कीजिए। ये देखिए मैंने टोटल अपने फंदे उठा लिए हैं। आप इसमें धागा लगा दीजिए। धागा लगाने के लिए वही है, पहले फंदे में इस तरह से अपना ऊन इस तरह से निकाल के यहाँ एक गांठ बांध दीजिए। ये हो गया और इस तरह से सीधा बनाना है मुझे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको आगे की तरफ सीधा होना चाहिए ताकि ऊपर जाके ये सीधी आ जाए और पीछे के साइड उल्टा। आप जब भी ऊन लगाएं या बनाएं तो ये ध्यान रखिए कि ये आगे की साइड मुझे सीधा है, जो कि ऊपर बढ़ते हुए इस तरह से पॉकेट में सीधे फंदे आ जाएंगे, और ये उल्टा बैक की साइड में होना चाहिए बस। और आप प्लेन सीधा उल्टा इस तरह से बनाते हुए आगे कंप्लीट करके आप ऊपर ले आइए। सिर्फ प्लेन उल्टा सीधा बनाना है, जितने भी फंदे 32 आपने उठा रखे हैं इस तरह प्लेन सीधे बनाने हैं। और आप ये देखिए ये बनते हुए ये जो सिलाई है बनाते हुए मैं ऊपर तक आऊंगी और यहां तक इस पॉकेट के बराबर, पॉकेट से एक सिलाई नीचे तक ही रहूंगी। उसके बाद मैं ये बंद करना सिखाऊंगी। पहले आप इसको प्लेन उल्टा सीधा बना के ऊपर तक ले आइए, पॉकेट के बॉर्डर तक ले आइए। ये मैंने पॉकेट की पूरी बुनाई कंप्लीट कर ली है, ये देखिए। और ये हमारा पॉकेट का बॉर्डर है, मैं बॉर्डर से बिल्कुल एक सिलाई नीचे रख रही हूँ इसको ताकि ये ऊपर ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल दोनों सेम है। अब मैंने जिस धागे से पॉकेट की बुनाई की इसे काट के अलग कर दूंगी। और आप ये ध्यान रखिए कि दोनों सिलाई की एक साइड से हो ताकि मैं इधर से बनाते हुए आऊं और यहाँ इस सिलाई पे से इसमें ये जो हमारा पैटर्न है वो स्टार्ट करते हुए पूरा लाइन बनाऊं। आइए हम इसे बनाते हैं।
ये मेरा बॉर्डर है, उसके बाद पैटर्न डिजाइन है। अगर आप प्लेन है तो आप प्लेन बनाइए। इसी तरह मैं इसे बनाते हुए पॉकेट तक आ जाऊंगी। ये डिजाइन बनाते हुए मैं यहां तक आऊंगी, फिर इस सिलाई को यहां से जोड़ूंगी। अभी आप पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरा डिज़ाइन है तो इसलिए से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। अगर आपका प्लेन है तो इसे आप प्लेन बनाइए। ये देखिए, इस सिलाई को मैं छोड़ दूंगी। ये पॉकेट वाले जितने भी 32 फंदे हैं, बीच का हमने 32 ही बंद किया हुआ है। उस पे जो ये पैटर्न मेरे चल रहे हैं वही बनाते चलूंगी। अगर ये प्लेन है तो आप प्लेन बनाइए, आपने जो भी डिजाइन डाला है वो बनाते हुए चलिए। जैसे मैं यहाँ इसको 3 सीधे बनाऊंगी, सीधा फिर उल्टा, एक में से मुझे 3 निकालना है, फिर 3 सीधा। ये मेरा डिजाइन है जो मैं बनाते हुए चल रही हूं। एक फंदे में से मुझे 3 सीधा निकालना है, फिर 3 सीधा। इसी तरह ये पैटर्न कंप्लीट करते हुए मैं 32 फंदे को कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, मेरे 3 सीधे मेरे डिजाइन का ये बचा हुआ है, लेकिन यहां मुझे 3 ही सीधे करने थे और ये लगा के 4 हो रहे हैं, तो मैं इसे 2 को 1 कर दूंगी। आपका डिजाइन जैसे सेट होता है उस अनुसार कीजिए। 1 2, अब ये 2 बचे हैं तो इसे इस फंदे पे डाल के मैं 2 को और ये सिलाई हटा दूंगी और इस डिजाइन को इस तरह से कंप्लीट करूंगी। देखिए, मेरा पैटर्न बिल्कुल ठीक बैठ गया। अब मेरा जो था वो आ चुका है, 1 सीधा 2 3, यही मेरा डिजाइन है। एक बार इस अपने डिजाइन को आप सीधी सीधी तरफ से देख लीजिए और इसी तरह ये पूरी रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। 1 2 3, ये देखिए मेरा पॉकेट भी कंप्लीट हो गया और इस सिलाई को मैंने पूरी कर ली। अब आप सीधे सिलाई जैसे स्वेटर बनाते हैं उसी तरह बनाते चलिए। आपका पॉकेट बिल्कुल तैयार हो गया। अब पॉकेट के पीछे भाग में आपको सिलाई करनी है। सिलाई जैसे हम स्वेटर करते हैं, इसको आइए हम इस सिलाई करके भी देख लेते हैं। ये पॉकेट सिलने के लिए आप पॉकेट वाले का, ये पॉकेट वाला और नीचे का, दोनों में से एक एक फंदा लीजिए इस तरह से। सबसे पहले एक यहाँ पे आप गांठ लगा दीजिए इस तरह से। और ये स्वेटर का एक फंदा और पॉकेट का एक, दोनों लेके जिस तरह हम लोग स्वेटर सिलते हैं वैसे ऐसे। पॉकेट आप लास्ट में स्वेटर सिलाई के समय भी सिल सकते हैं और अभी भी सिल सकते हैं। इस तरह से सिलते हुए पूरा ये भी कंप्लीट कीजिए और इस साइड का भी इसी तरह सिल लीजिए। और ये देखिए, हमारा पॉकेट बिल्कुल तैयार। बहुत आसान है पॉकेट बनाना और बहुत अच्छा लगता है ये पॉकेट। अगर ये मेरे पॉकेट बनाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।